It's a very random video starting. I am actually going to badminton and Dev ko bhi chhodna hai. Shang bad raha hai Bhagwan ji ke liye. So yeah, Dev ko bhi chhodna hai abhi aur Dev ko chhodna hai BCM Heights pe aur mera badminton bhi wahi hai. सबसे पहले दिक्कत ये हो गई है, देव को पहुंचना था 8 बजे और 8:05-8:10 यही होना है और अभी पेट्रोल भी भरवाना है हमको. एंड या वी विल सी, सो लेट्स गो फटाफट से. ये देखो लेट टाइम से चल लो थोड़ा. ये देखो 8:05, वेरी गुड. और कितने बजे पहुंचना था? 8 बजे. 8 बजे, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय. चलो अभी पेट्रोल भी डलवाना है. ये देखो अभी ये नाटक करेगी. चलो ये यहाँ से तो काफी ज्यादा ही रास्ता खराब है, भयंकर रास्ता खराब है. तेरा भाई ये भी ड्राइवर है, पायलट है तेरा भाई. भाई तेरा का टाइम तो पहुँचा रहा हूँ ना. और आज थोड़ा सा माइलेज टेस्ट खेलेंगे. मैं आपको इसकी वो रीडिंग दूंगा और कितने का भरवाना है, 200 रुपये का समथिंग कुछ का भरवाना है. तो देखेंगे कितनी चलती है. तो अगली वीडियो में अपन करेंगे कैलकुलेट कितनी चल रही है. ठीक है, है और अब देखते हैं 200 रुपये में कितनी चलती है. 1.84 समथिंग कुछ पेट्रोल आया है अपने एक्टिवा में और अगर कम माइलेज देगी तो मतलब सर्विसिंग का टाइम आ चुका है. तो यार आप लोग भी ध्यान रखना और अगली वीडियो में अपन पता करेंगे कितना दे रही है. तो भाई स्ट्रेंज की यहाँ पे सैमसंग का ये आ गया स्मार्ट कैफे. आई डोंट नो वाई बट यहाँ पे पहले संकल्प था और वहाँ पे बहुत पहले आते थे हम लोग. और देव तू अभी कहाँ जा रहे हैं? RCGM का इंटरव्यू है. इंटरव्यू है, प्रोसेस है. तो बेसिकली तू कर क्या रहा है अभी? MBA कर रहा हूँ और कंपनी जाना स्टार्ट हो गई है. तो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है RCGM इंदौर में. 2-3 कॉलेजेस है साथ में ले रही है इंटरव्यूज. काफ़ी कम चांसेस है, 3-4 बच्चे लेके जाती है पूरे इंदौर से. तो ट्राई कर रहे हैं, जा रहे हैं आज उसका प्रोसेस करने के लिए पूरा. और पैकेज कितने का देती है रफली अराउंड, मतलब एक अंदाजन? 15.5 का. मतलब इट्स अ गुड पैकेज यार. मतलब ठीक है. तो अभी एक्चुअली क्या है, इनके कॉलेज में नहीं आ रही है. पहले एक कोई शायद कोई कंपनी आई थी वो इनके कॉलेज में ही आई थी, पर ये जो कंपनी है कॉलेज में नहीं आ रही. तो 2-3 जो कॉलेजेस हैं जिन जो बुलाती हैं कंपनीज को, उन्होंने एक मेन कॉलेज चूज़ कर लिया, शायद DAV भी चूज़ कर लिया है. तो DAV इज़ द मेन कॉलेज इन इंदौर ना, मतलब मेन यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली. तो वहाँ पे वो कंपनी आ रही है 2-3 कॉलेजेस मिलके. हाँ. सबका वो इंटरव्यू पूरा प्रोसेस करेंगे, टेस्टिंग प्रोसेस करेंगे. सही है. तो भाई ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. चलते हैं फटाफट से, सब्सक्राइब करो यार, वेरी क्लोज. हम 1000 सब्सक्राइबर के भी बहुत पास में. इनको दिखाना है भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, जल्दी करो. इसको छोड़ दिया है, बस एकेडमी जा रहा हूँ. यहाँ से जस्ट स्ट्रेट जाके ये चौराहे क्रॉस करके मेरे को राइट लेना है बस. सो यार फटाफट से पहुँच जाएंगे. और ये हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग बहुत ही प्यारी बनी हुई है, H2 नाइस. और पीछे एक अग्रवाल बिल्डिंग करके भी है, A3 स्टोर करके, वो भी बहुत अच्छी है. वो भी कभी दिखाएंगे ब्लॉग में, उसमें रात को देखने का मज़ा है. वो रात में लाइटिंग वाइटिंग जलती है. तो फटाफट से पहुँचते हैं. और HOJ का भी फ़ोन आ गया कि भाई कहाँ है, मैं भी पहुँच रहा हूँ, तू भी पहुँच. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ब्रो. मॉर्निंग बाबू जी. अरे यार आपके मैं 2000 रुपये लाना भूल जाता हूँ. चलो और ये संदीप को लगा लेते हैं फोन. ऐसे कर लिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया करा. एफी बुक कर लिया. एफी सैमसंग कितना? 52 मान ले बस. थैंक यू. फैन एडिशन. फैन एडिशन है भाई. ये देखो पंगेबाज हमारे. बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास गेम चला ये वाला जो इसके पहले खेला. मैं और दीपक भी आते हैं. दीपक भी ये जो आपको दिख रहे हैं पिंक वाला, ये और ऐश्वर्य और गौरव भी आते. इट वॉज लाइक की 5 एंड गेम. तो काफ़ी टाइम पास गेम, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. को क्या साइज आता है शूज़ में?
9 या 10 ना। तो प्यूमा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार, प्यूमा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1-1.5 महीने बाद ही ये देखो ऐसे फटने लग जाते हैं, स्ट्रेचिंग विचिंग खुलने लग जाती है, या तो योनिक्स या तो लेनिंग। मतलब मैं तो मतलब ये ले लिए हैं, अब मैं इसके बाद तो लेनिंग ही लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, साल भर बाद तो चेंज करने ही होते हैं इसलिए। डांट पड़ रही है भाई कोच से। तो भाई फाइनली एकेडमी से फ्री हो चुका हूँ एंड आई एम गोइंग होम, और अभी कुछ 10:30 या 10:45 हो रहा है, और सबसे पहले मेरे को मेरी एक्टिवा ठीक करवानी है यार, बहुत दिक्कत दे रही है टू बी ऑनेस्ट। अभी पेट्रोल डलवा लिया है तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट मैकेनिक के पास ही चले जाऊँ या नहा धो के फिर जाऊँ, बट यार पूरा पसीने पसीने हो रहा हूँ तो आई थिंक सो मैं नहा धो के ही जाऊँगा। सो यार लेट्स गो फटाफट घर और देन चलते हैं, मतलब नाश्ता वास्ता करके ही चलेंगे यार क्योंकि भूख भी लगती है खेलने के बाद। सो यार एक डाइट वाइट लेते हैं अपनी, और या और मैं ये भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग चालू कर दूँ। सो यार स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे बिल्कुल, बट यार चलते हैं फटाफट से। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं यहाँ पे मैकेनिक के पास ये रहा, तो या मतलब एक्टिवा थोड़ा सा हैंडल वारी चल रहा है मेरी एक्टिवा का, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ एक मेरे को एक चीज़ लग रही है कि मतलब अभी बारिश भी हुई इंदौर में काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत सारे पॉटहोल्स हो गए थे, तो मेरी तरफ मतलब मेरे से ही एक बार पॉटहोल में चली गई थी, आई थिंक सो वो एक रीज़न हो सकता है शॉकर कब टूट सकता है। सो या अभी चलते हैं, मतलब आ चुका हूँ मैं, भैया आए, इसका ना हैंडल भारी चल रहा है तो देख लो एक बार आप। चिमटा कौन सा? वो बहुत भारी चल रहा है यार अंदर। तो शौका हो कब ठीक है? कहाँ पे क्या होता बताओ ना थोड़ा। इसके अंदर रहता है। अच्छा इसके अंदर? अंदर के छर्रे कटर रहते हैं वो कट जाते हैं। अच्छा उसके कारण इंडन टाइप होता है। अच्छा कितने का क्या खर्चे? 450 के आसपास। अच्छा कब तक होगा ठीक? 3 घंटा लगेगा, छोड़नी पड़ेगी। तो भैया एक्टिवा का ऑयल का इधर होता है, सब ऑन बजाते हो जा रही है, देखो सब ऑन बजेंगे। ऑयल तो खराब हो जाएगी। खराब हो रहा है, बदलना पड़ेगा। चल ठीक है बदल देंगे। साइलेंसर के जस्ट उधर ही होता है ऑयल चेक करने का एक्टिवा में, देखा हमें तो निकल चुका लंबा चौड़ा खर्चा, और नहीं नहीं करते हुए रफली अराउंड 1500 समथिंग का कुछ सामान लग रहा है, ब्रेक शू ऑयल वॉयल और आगे का जो हैंडल बारी चल रहा है उसमें पता नहीं कुछ बोल रहे हैं, बेयरिंग वेयरिंग मतलब यूज़ होते होते टूट जाती है कुछ हो जाती है तो उसकी वजह से बेयरिंग बारी चल रहा है, सो मतलब हैंडल बारी चल रहा है, बेयरिंग क्या बारी चल रहा है। सो यार अभी मैंने मेरे डैड को मैंने व्हाट्सअप कर दिया सामान, तो मैं डैड इज लाइक कि मैं ला देता हूँ तेरे को, उसके बाद तू कर लेना, उसके बाद यहीं पे आके गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद ही अपना एक्टिवा ठीक हो पाएगा। हम आ चुके हैं और इट्स राइट नाउ इट्स 4:15, और मतलब हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि उस टाइम पे सामान पूरा प्रॉपर नहीं मिला, फिर डैड घर पे लेके आ गए थे सारा सामान एक्टिवा का, इसमें एयर फिल्टर ऑयल और बहुत कुछ है, तो वो सब चेंज होगा मैं पूरा दिखाऊंगा, और हाँ सारे डिस्को गाड़ी में ही कर लो ना भाई, ठीक है। तो ये क्या बोलते अपना, मेरे को भी कुछ काम आ गया था तो मैं यहाँ से रिसेंटली बस एक्टिवा उठा के निकल गया, फिर वो काम निपटा के आके घर पे ना के खाना खा के वापस आया हूँ, और मैं लेके आया हूँ अनिमेश को, अनिमेश है कैमरा के पीछे, हाँ दिख गया तू, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं ना, हाँ बस बस ठीक है। तो अभी भैया गए हुए हैं एज यूजुअल, वो पता नहीं कुछ सामान लेने गए हुए हैं, तो दे टोल्ड मी दैट कि 10 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूँ, तो हमने ठीक है भैया वेट करने के अलावा कुछ चांस है नहीं, आते हैं और खुलती है गाड़ी तो दिखेगी आपको पूरा। कितना टाइम हो रहा है भाई? 5 अभी तक अपनी एक्टिव खुली भी है जैसी उतारी थी वैसी की वैसी रखी हुई है, भैया इस काम में बिजी हो गए, इस बाइक में बहुत वो है यार, टाइम लग गया यार, अच्छी बात है मैं देखो ले आया, अबे गुड डिसीजन है ना खाना खा के आया ना ओ भाई ऐसी कुछ होती है भाई अपनी एक्टिव अंदर से देख लो,
पूरी बॉडी होती है ये सीट, और ये कुछ एक्टिव अपनी आगे से भी खोल दिए, ये बैटरी लगी हुई है, ये हॉर्न, ये होती है भाई कुछ एक्टिव। ये एयर फिल्टर आ गया भाई, सही है भाई। अभी ऑयल भी निकालेंगे, वो भी दिखाऊंगा, ऑयल भी चेंज होगा। ऑयल भी निकल गया कहाँ गया? ये देखो ये नीचे निकल गया ऑयल, पूरा ब्लैक हो चुका है, अभी नया ऑयल डल जाएगा। होंडा का ही पूरे पार्ट्स ओरिजिनल ही डलवा रहे हैं इसमें। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, तो भाई ये देखो ये पाइप जो दिख रहा है, इट्स अ पाइप, मतलब जब पेट्रोल एक्सेस पेट्रोल यहाँ पे आ जाता है, मतलब जब ओवरफ्लो हो जाती है टंकियाँ कुछ, तो यहाँ पे आके इकट्ठा होकर इस पॉइंट से नीचे आ जाता है, और डायरेक्ट यहाँ नीचे पाइप है तो यहाँ आ जाता है। तो कभी कभार यहाँ पे लीकेज दिखता है अपन को पेट्रोल का या कुछ, तो ऐसा लगता है कि अरे पेट्रोल क्यों लीक हो रहा है कुछ, तो यही रीज़न होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो वरना तो कोई और रीज़न भी हो सकता है, पर हाँ डर जाते हैं हम लिटरली कि अरे पेट्रोल लीक हो रहा है हमारी गाड़ी से। सो यार दिस इज़ द पाइप जो यहाँ कनेक्टेड रहता है और फिर नीचे गिर जाता है, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इकट्ठा नहीं रहता। और ये इससे एक और चीज़ होती है कि डिक्की में नहीं जाता पेट्रोल, डायरेक्ट यहाँ इकट्ठा होकर डायरेक्टली नीचे करके बाहर गिर जाता है। भाई आपने ऐसे जो वेस्ट ऑयल है वो उसमें डाला, तो आप इसके बाद क्या करते हो? कहाँ चले जाता है ये जो मकान बनाते हैं ना? अच्छा ओके, वाह यार ये भी बढ़िया चीज़ है, कुछ नया मालूम पड़ा। आई होप आपको भी नहीं मालूम पड़ा होगा अभी तक कि अपना जो वेस्ट ऑयल होता है वो कहाँ जाता है, वो छत के किसी किस में काम आता है, तरापे में लगता है, छत डलती ना हाँ तब काम आता है। वाह समथिंग डिफरेंट, मैंने सोचा पूछ लूँ और आपको भी बता दूँ। बढ़िया भाई, ये है हमारा इंजन ऑयल जो जाएगा अपनी एक्टिवा में। सो इट्स 10W30MA और एक्स्ट्रा प्रीमियम 4-स्ट्रोक इंजन ऑयल, या 800ml है ये, 800ml की एक ही बॉटल डलेगी अपने इसमें। बढ़िया, अलग अलग रेट्स होते हैं तो भाई इसलिए रेट नहीं बता रहा हूँ मैं, बट या इस पर 288 लिखा है, पर आपको कभी कहीं पे मतलब ऑब्वियसली इससे सस्ता या इसी प्राइस में होगा ये। बढ़िया, और भी दूसरे भी पार्ट्स हैं पता नहीं। ये देखो ये है कुछ अपना, ये शू सेट है ब्रेक का, अपना ब्रेक शू सेट है शायद ये, ठीक है ये लगेगा, ये भैया ने बोला ही था कि भाई मंगवा लेना। और ये भी कुछ है एक्टिवा का 4-स्ट्रोक सेट वॉल्व बेयरिंग, ये बेयरिंग जो आगे की खराब हुई आई थिंक सो वो है, मेरे को नॉलेज नहीं है, डोंट कोट मी ऑन दिस। ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग है ना, ये बेयरिंग है और ये उसका सेट होगा मोस्ट प्रोबेबली। बढ़िया, आई थिंक सो काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है। ये वो बुश लिखवाए थे, हाँ ये बुश वुश करके कुछ लिखवाए थे, आगे लगेंगे आई थिंक सो, ये आगे लगेंगे ना भैया, ये आगे लगेंगे। बढ़िया, और ये भी कुछ ये पीछे लगेंगे आई थिंक सो, ये ब्लैक वाले बोल रहे थे पीछे लगेंगे। बढ़िया, लो भाई रख लो। भैया बोल रहे हैं कि इंजन ऑयल ज़्यादा है यार, पिछली बार भी शायद आपसे ही डलवाया था मैंने, तो पड़ा भी होगा घर पे थोड़ा, नाप के डालेंगे इसमें। सारा ही आ गया हो तो 800ml तो लिखा है, 800 ये तो देख लो एक बार चेक कर ही लो फिर। नहीं नहीं 800 है, 800ml है, बढ़िया एकदम। नहीं नहीं 800 में 50 ग्राम का। अच्छा, अरे यार होंडा यार व्हाट इज दिस, 750 800 लिख के 750 नेट लिखा है क्या उसमें? होंडा का होंडा लाइन नहीं वो। अच्छा होंडा के नाम, होंडा के नाम से ही है। अरे बाप, अरे ये ओरिजिनल नहीं है, बाप रे होंडा का तो साइन ही है यार ये। अच्छा ये ओरिजिनल है, अरे बाप रे भाई, तो ये ओरिजिनल है, सॉरी ये मैंने इसको बोल दिया था ये ओरिजिनल है, पर ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है देख लो एक बार। इस पर MRP 314 लिखी हुई है, थोड़े से सस्ते रेट में मिल सकता है आपको कहीं पर भी बाहर। या दिस इज़ द ओरिजिनल एंड दिस इज़ द डुप्लीकेट, ये होंडा का मतलब पोल के बीच में पड़ गया, होंडा का नहीं है ये। तो वही ये भैया डाल रहा है अभी गियर बॉक्स और ही थोड़ा सा ही डल रहा है, और आई थिंक 100ml जितना डल रहा होगा, 100ml ना, 100ml जितना डल रहा है। बढ़िया, पता नहीं क्या क्या है इसमें, गियर बॉक्स और एक्टिव में पता नहीं। लो भाई पिछला टायर भी बाहर आ गया अब तो। अच्छा ब्रेक शू के लिए, अरे बाप रे टूट गया क्या ब्रेक शू? ऐसे ही आता है क्या?
अरे मेरे को लगा ब्रेक शू टूट गया। ओके तो ये बहुत गंदा है, मतलब उठाना भी एक मिनट यार। ये देखो ऐसा कुछ आता है, थैंक यू यार। और नया वाला अपना कहाँ गया? नया वाला ये रहा, ये नया है अपना, ठीक है। ये खोल के अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। हियर इज द न्यू वन एंड हियर इज द ओल्ड वन। ये रहा पुराना वाला अपना, ठीक है। ये देखो कितना गंदा हो रहा है, लेटर लिया। ये लो भैया, इंजॉय। ओके वायर। तो भाई अभी 7:00 बज चुके हैं, 6:50 अराउंड कुछ हो रहा है, और अभी सिर्फ बैक साइड का एरिया का काम हुआ है, मतलब जैसे ब्रेक, ये क्या अपन ने ब्रेक शू चेंज हुए, एयर फिल्टर चेंज हुआ है अपना, और ये साफ हो गया, कार्बोरेटर करके कुछ होता है, ये साफ हो गया। बाकी अब आगे की जो मेन दिक्कत है, जो हैंडल भारी चल रहा है वो होगा, मतलब आज तो पूरा दिन, मतलब मान लो उसके पीछे लग गए हैं यार। कितनी देर का काम और बचा होगा आपके हिसाब से? आधा पौन घंटा बचा अभी। चलो भाई बैठे हैं अंदर। ऐसा कुछ हो गया भाई, आगे से पूरी खुल चुकी है अब। या दिस इज द एक्टिवा, मतलब दिक्कत दे रही है तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिक्कत दे दी यार इसने, मतलब लिटरली फ्रॉम पास्ट 2.5 आवर आई एम सिटिंग हियर ओनली एंड या जस्ट एंजॉयिंग विद माय चिप्स। अभी ये चिप्स थोड़ा ओके, पूरे पेयरिंग सब खुल चुका है, देख सकते हो आप, पूरा ही हाथ में आ चुका है। ओके सामने का पूरा ही पार्ट अपने हाथ में, ये ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है हैंडल से। या बिना आगे वाले टायर की गाड़ी आप देख सकते हो अपने हाथ पे। ये लगेगा ना, यही टूटा है। अच्छा तो भाई ये नया आ गया, ये कितने से पार्ट की वजह से इतना हैंडल भारी चल रहा था। ये देखो ये निशान देख रहे हो एक, मतलब पूरा ये देखो ये निशान है, ठीक है। और ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, इतना भारी चल रहा था इस जरा सी चीज़ के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ यार। ये लो भैया। ओके तो वेट्स ऑलरेडी 8 और काफ़ी लेट हो गया है, बस 10 मिनट का काम और, मतलब 3 घंटे मतलब एटलीस्ट लगे गए, उसमें से 4 बजे से आए हुए थे अपन, 8 बज गए हैं। टफ लाइफ। क्या अच्छा लगा दो। तो भाई फाइनली अब कंप्लीट हो चुकी है अपनी गाड़ी, एक बार चला के देखूंगा, फिर भैया को पैसे से देके घर निकलना है, एक रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है बीच में, पापा की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो मतलब करेंगे कलेक्ट, और बस फिर निकलेंगे। एक छोटा सा नेट रह गया था बस, या बस ये नेट लेके अपन को यही रास्ता बस सीधे जाना है। आप चलाने जा रहे हो क्या? पहले चलो आप टेस्ट कर लो पहले, फिर हाँ फिर आप करो। भैया भैया निकल गया, मेरे को देखें भैया ही निकल गया। बढ़िया हो गई है भाई, अब चल रही है ना भाई सही स्टार्ट एकदम, अब बिल्कुल भी नहीं, और आगे वाले टायर में पंचर भी था, या थोड़ा सा पंचर भी था तो इसलिए दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड उस तरह उस वजह से भी चल रहा था, बट आप तो सही चल रही है। आप भैया को पैसे देते हैं निकलते हैं। ये कुछ ऐसा बोर्ड है और ये भैया का एड्रेस, ठीक है, यहाँ से मैंने करवाई अपनी एक्टिवा सर्विस, और ठीक थैंक यू भैया। और थोड़ा सा आप बता दो। आओ भैया काम कराने आओ। भैया शर्मा रहे कैमरा के सामने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रीजनेबल रेट पे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये रहा, ठीक है। ये भैया मिलेंगे, आपका नाम क्या? अजय केसरिया के नाम से भैया मिलेंगे, और इनसे ही मैंने करवाई और एक नंबर कर दिए, तो भैया मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू भैया। तो भाई यहाँ से कुछ यादें हैं हमारी एक्चुअली सेंट्रल ऐप से,
सो बेसिकली मैं यहाँ पे आया था कोविड का टेस्ट करवाने, तो पहले यहाँ पे कोविड का टेस्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आया था मैं कोविड का टेस्ट करवाने एंड मेरे को पॉजिटिव आ गया था, तो दैट्स वाई अपने 30 डेज 30 ब्लॉग्स नहीं आ पाए। आई थिंक सो ब्लैक आ रहा होगा, अब थोड़ा सा ही आ रहा होगा। दैट्स वाई अपने 30 डेज 30 ब्लॉग्स नहीं आ पाए, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। मेरे को कोविड हो गया था उस टाइम पे ही मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं 30 डेज 30 ब्लॉग्स करूँगा, तो ये हिट हो गई थी। सो आई थिंक सो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, सो अपन इसको यहीं पे एंड करते हैं। और कल जाने मेरे को कॉलेज भी, कॉलेज की बच्चों से दिखाएंगे। सो या टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द 1000 होने वाले हैं। 1000 ठोक दो भाई, 1000 ठोक दो फटाफट से। या थैंक यू, बाय बाय।